निश्चित रूप से आकांक्षा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साधने की कोशिश इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर की जाती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ का जो सत्ता की जो चाबी जिसे कहा जाता है वो आदिवासी ही है, और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, 90 में से 29 सीटें जो है वो आदिवासी सीटें हैं, लगभग 29 सीटें, और आज की परिस्थिति की यदि हम बात करें तो आज उन 29 सीटों में से 27 सीटों में कांग्रेस काबिज है, तो लगभग आदिवासियों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा समर्थन एक तरफा कांग्रेस के साथ में आज की डेट में है, और कांग्रेस इसी बात को लेकर के बात जनता के बीच में लगातार जा रही है, और ये इस बात को लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हुआ, उनके जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी अपने उसमें कह रहे थे कि उनके लिए कुछ नहीं किया गया, 15 साल उनको ठगा गया, उनकी जमीनें छीनी गई, इस प्रकार की तमाम बातें जो है वो कांग्रेस कह रही है। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगता है कि एक आदिवासी क्षेत्र का एक वो एरिया है जहां पर एक बहुत बड़ा कुछ समय पहले जो है वो विपदा आई थी, और वहां पर लगातार लोगों को पीलिया की शिकायत हुई थी और बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की मौतें भी हुई थी, उसके बावजूद भी वहां पर देखिए आज भी परिस्थितियां वही की वही बनी हुई है, वहां पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि दोनों दल इस बात की लिए वो बहते हैं कि भाई हमने दम भर रहे हैं कि हमने आदिवासियों के लिए किया है, लेकिन यदि आपने किया होता, देखिए कांग्रेस के लिए भी यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने निश्चित रूप से इन 4.5 सालों में आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया, उनकी जमीनें वापस दिलाई हैं, उनके खिलाफ जो केस बने थे उनको उन्होंने वापिस किया, ऐसे तमाम प्रयास कांग्रेस ने किए हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि हम देखें तो पिछले लंबे समय से कांग्रेस ने पूरे देश में राज किया है, लेकिन उसके बाद ये स्थिति है कि किसी एक क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या यानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है आदमी की वो यदि उपलब्ध नहीं है, तो ये बड़े सोचने विषय हम सबके लिए, केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए भी है कि यदि इस प्रकार की कोई समस्या देश के अंदर आज भी मौजूद है 70-80 सालों के बाद देश को आजाद होने के बाद, तो ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, और इस पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है।